प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन में विद्युत उपभोक्ताओं के साथ शिवराज सरकार द्वारा की जा रही मनमानी वसूली के विरोध में प्रदेशव्यापी घेराव के तहत नीमच जिले में भी विभिन्न स्थानों पर विद्युत मंडल के कार्यालय का घेराव 5 जुलाई को कांग्रेस जनों द्वारा किया जाएगा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजेश सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री काल में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने चुनाव पूर्व किए वादे के मुताबिक 100 रुपए मासिक बिल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी। भाजपा की शिवराज सरकार इन्हीं उपभोक्ताओं से 2 से 4 हजार के बिल भेजकर मनमानी वसूली कर रही है। ब्रजेश सक्सेना ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनता के दुख दर्द में हमेशा भागीदारी की है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की लड़ाई सड़क पर लड़ी है और लड़ रहे हैं। इन दिनों विद्युत उपभोक्ता बिजली के बिलों की राशि से बहुत परेशान है। सरकार बिजली की दर घटाए, इन्हें सब मांगों को लेकर कांग्रेस जन कल आंदोलन करेंगे और बिजली के बिलों की होली भी जलाएंगे।